is Angel Singh and welcome back to my channel. Thank you so much for coming back again. आज मैं बहुत 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 interesting topic लेकर आई हूँ क्योंकि ये topic आप आजकल बहुत ज़्यादा कोई भी YouTube video चलाने से पहले ज़रूर देखते एक product की ad आती है जिसके बारे में आज मैं बात करूँगी और जो काफी annoying आपके लिए हो रही होगी क्योंकि वो हर जगह इस समय इतना trending चल रहा है. I thought now this is the high time I need to try this product. Today I'm gonna talk about none other than Palmolive skin therapy, which is the facial bar from Palmolive. आप मुझे एक बात ये बताइए, so कितनी बार ऐसा होता है कि जब भी आप YouTube start करते हैं और किसी का भी video देखने लगते हैं तो एक लड़की आती है जो आपको सबसे पहले Palmolive facial bar के बारे में बताती है. So yeah, I'm gonna talk about this particular product and I thought since it's a very trending product and it's a new series and new range from Palmolive, आज से पहले उन्होंने skin bar, skin facial bars launch नहीं किया था, तो this is one product जो अभी उन्होंने लॉन्च किया है एंड आई फाइनली गॉट इट एंड आई थॉट नाउ लेट मी ट्राई इट कैसा है करके ये. सो सबसे पहले मैं आपको सोप के बारे में बता देती हूँ. तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड यू कैन सी कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में. काफी इनोवेटिव पैकेजिंग है इनका और ये लाइक प्लास्टिक के पैकेजिंग में है एंड काफी ट्रांसपेरेंट है. मैं इसके थोड़ा सा प्राइस के बारे में भी आपको बता देती हूँ. इसका एमआरपी जो है वो 65 रुपीज का है एंड इन 65 रुपीज यू गेट 75 ग्राम ऑफ द बार. ये 75 ग्राम का बार है. हाउएवर अभी ये डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल रहा है एट अ प्राइस एमआरपी इज 55 रुपीज. जबकि मैंने इसको बिग बास्केट पे अगर आप जाके देखते हैं तो वहां पे भी इस समय डिस्काउंट चल रहा था, या फिर अगर आप ग्रोफर से लेते हैं तो वहां पे भी डिस्काउंट चल रहा है. तो मैंने इसको 48 रुपीज में लिया था वन सिंगल बार. सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. इवन अमेजोन पे भी, अमेजोन पैंट्री पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा. मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो व्हेन यू ओपन इट, तो मैं आपको एक बार खोल के बता देती हूँ ये कैसा है करके. ये कुछ इस तरह का ऑरेंज फेशियल बार आएगा और बार पे तो इन्होंने कुछ खास मेहनत नहीं किया है. आई मीन दिस इज जस्ट स्मॉल बार जो उन्होंने बीच में से कट कर दिया है. दोनों साइड से कट है, इसमें कोई शेप या कुछ ऐसा मेंशन नहीं है. हाउएवर इसका फ्रेग्रेंस इज वेरी नाइस. इट्स नॉट वेरी सिट्रस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, बट हाँ थोड़ा सा हिंट है सिट्रस का. बाकी कुछ हर्बल सा फ्रेग्रेंस है इसका, तो नॉट वेरी पोटेंट आई मस्ट से, लेकिन प्रेगनेंस है, प्रेगनेंस है. और ये काफी ज्यादा इसमें कलर है, आप देख सकते हैं. इट्स वेरी वेरी टैंगी गॉडी ऑरेंज बार काइंड ऑफ अ थिंग. तो या दिस इज द बार एंड ये विटामिन ई और विटामिन सी के साथ आता है. स्किन थेरेपी इट कम्स विद विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड बोथ आर वेरी गुड फॉर योर स्किन. सो विदाउट एनी फर्दर डू, हमें किस चीज का इंतजार है, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. और मैं ये बार एक दिन के लिए नहीं यूज करूंगी, मैं इसको पूरा वन वीक यूज करूंगी अपने फेस पे एंड देखती हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है. तो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड एंड लेट्स सी कितना कामयाब है ये Palmolive का स्किन थेरेपी फेशियल बार. सो या लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. सो यहाँ पर आई हैव टेकन द Palmolive फेशियल बार और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इट इज़ फुली पैक्ड. एंड मैं आपको दो तीन चीज़ें फेशियल बार के बारे में बता देती हूँ. इवन इफ लाइक इट इज़ यू नो इट इज़ सपोज टू बी गुड ऑन योर स्किन, स्पेशली द फेस स्किन, स्टिल फेशियल बार्स आर नॉट दैट सेफ टू यूज ऑन योर फेस अनलेस एंड अनटिल इट इज़ लाइक वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग, समथिंग लाइक डव. अगर डव जैसा कुछ 1/4 मॉइस्चराइजर क्रीम के साथ कुछ बना हुआ है, मैं अभी भी ये कहूंगी कि डव भी 100% सक्सेसफुल नहीं है एज फेशियल बार, नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप ऑफ कोर्स एंड नॉट फॉर ऑल द सीजन्स ऑफ कोर्स. तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि फेशियल बार हमेशा फेस के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बात का जरूर ध्यान रखिए. वंस इन अ ब्लू मून अगर आपको कभी यूज करना है देन येस ऑफकोर्स, एंड उसमें भी आपको ये चीज़ें देखनी कि कोई भी फेशियल बार आपको नहीं लगा लेना है अनलेस एंड इट इज
like certified from the company and it is said to be, it is supposed to be a facial bar. आप उसको use ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है. Now coming to the product, product is very very good. Fragrance के बारे में जैसे मैंने बताया तो काफ़ी aromatic इसकी fragrance है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको attract करेगी इसकी fragrance. उसके साथ साथ जैसे ही आप इसको अपने हाथों पर लगाएंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसको अपने हाथ पर तो इतना ज़्यादा ये लैदर क्रिएट कर देता है इन वन एप्लीकेशन ओनली कि आपको इतना अच्छा लगेगा, फेस आपका बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा आफ्टर यू वॉश योर फेस. एंड जो आपका ऑयल सिक्रीशन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अगर आपका जो ऑयल सिक्रीशन होता है तो क्या होता है कि फेस वॉश करने के बाद आप करीब 2 to 3 hours के अंदर अंदर आपका वापस से ऑयल सिक्रीशन होना चालू हो जाता है फेस पे. तो विद दिस काइंड ऑफ बार जैसा कि मैंने महसूस किया तो ऑयल सिक्रीशन इतनी जल्दी नहीं हो रहा था, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी वो ये है कि इसको यूज करने के बाद आपको चेहरे पे ना ऐसा फर्म टाइटनेस नहीं लगेगी, आपको टाइट बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा चेहरा लगेगा कहीं ना कहीं. ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा. नाउ कमिंग टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये आपके फेस को ब्राइटन करता है. Apparently and this is quite surprising for me as well कि हाँ ये मेरे फेस को with every application मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस में थोड़ा सा brightness भी ज़्यादा आ रही है और थोड़ा सा चमक भी ज़्यादा आ रही है. Especially अगर आप रात को इसको मतलब फेस पर लगाने के बाद सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था. मतलब मुझे मॉर्निंग में ही अपना फेस काफ़ी फ्रेश और काफ़ी ज़्यादा वाइट एंड ब्राइटन लग रहा था, काफ़ी स्किन जो है वो मेरी ग्लो कर रही थी. तो ये बात मैंने खुद नोटिस किया. मतलब बाय द टाइम ये थर्ड और फोर्थ डे पर जब मैं आई थी इसको यूसेज पर तो मुझे अंदर से ही काफ़ी कुछ लग रहा था और जो स्किन का ग्लो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था. तो ये एक अच्छी बात है इसकी, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि इस थर्ड पॉइंट पे इसको मैं मार्क्स 100% दूंगी. बाकी जो अब सीज़न, देखिए स्किन का क्या है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड भी है अगर, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी जो ट्रांजिशन होता है सीज़न का, उसमें क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी आपकी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज सहना पड़ता है क्योंकि जो सीज़न होता है वो चेंज हो रहा होता है. तो सभी की स्किन में या तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, अगर बहुत ड्राई स्किन है तो ऑयली स्किन वालों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है मॉनसून सीज़न में आते ही, या ऐसे ही अपेरेंटली सीज़न का चेंज स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो जो सीजनल चेंज है उस ड्यूरेशन में ये सोप सक्सेसफुल है, आई डोंट थिंक सो. उसका रीज़न है क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने एक हफ्ते में देखी इसको यूज़ करने पर, अगर ये स्किन को बिल्कुल 100% मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड रखता और बिल्कुल स्किन भी ब्राइटन रखता मेरी, तो मैं इसको बोलती कि येस इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल क्योंकि मेरी स्किन डैमेज नहीं हो रही थी. लेकिन ये मुझे साफ साफ दिख रहा था कि जो मेरा टॉप लेयर है स्किन का वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, यानी टॉप लेयर का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था. तो ये जो सीजन ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये 100% सक्सेसफुल है. तो इस चीज़ में भी मैं उसको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दूंगी. इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि देखिए जितना ज़्यादा सोप में जितना ज़्यादा फ्रेग्रेंस होगी, जितना ज़्यादा उसमें कलर होगा, उतना ही कहीं ना कहीं वो लॉन्ग रन में आपकी स्किन को नुकसान करता है. और ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर हैं. इसके अंदर अरोमेटिक स्मेल बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ जो कलर है इट इज़ वेरी ब्राइट ऑरेंज कलर. मतलब ऐसा कोई माइल्ड कलर यूज़ नहीं किया है या बहुत कम क्वांटिटी में कलर यूज़ नहीं किया है, इट्स वेरी 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 डार्क कलर ऑरेंज. तो मैं समझती हूँ कि कलर प्रिजर्वेटिव जो यूज़ किया जाता है वो भी स्किन पे आपकी कहीं ना कहीं हार्श होता है, केमिकल्स उसके हार्श होते हैं. तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने 1 week जब ये पूरा का पूरा लगाया है तो कहीं ना कहीं उस बात से मुझे ये फेस पर अपने चेंजेस दिखाई देने लग गए थे और मैंने इस चीज़ को महसूस किया. तो मैंने ये पॉइंट्स आपको 4-5 points जो हैं इसके खास खास वो मैंने आपको बता दिए. ये सब बातें जो हैं ये एक कम से कम फेशियल बार को अगर मैं साइड
करके अगर एक नॉर्मल फेशियल फोम की मैं बात करूँ, जो आपके फेस वॉश होते हैं उससे जो फोम क्रिएट होता है उसमें अगर मैं बात करूँ, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पीएच बैलेंस स्किन का मेंटेन रखता है, वो ड्राई नहीं होने देता है, या जो स्किन होती है उसको ब्राइटन भी अगर कर रहा है तो वो एक अपेरेंटली धीरे धीरे चीज़ों को करता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा मुझे। तो यस, दिस इज इट, और ये आज का फाइनल डे है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज डे 7 एंड नाउ यू विल सी कि एग्जैक्टली मेरा कंक्लूजन आफ्टर 7 डेज क्या रहा। सो दैट्स द फाइनल रिजल्ट एंड आई एम शोइंग यू इन द नेचुरल लाइट और इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड इन फैक्ट। ओह आई गॉट a fish. Okay, थोड़ी देर बात करते हैं उस बारे में। सो या इट्स वेरी गुड ओवरऑल फॉर ऑयली स्किन, इट इज़ आई थिंक वेरी वेरी गुड, बट फॉर ड्राई स्किन पीपल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ड्राई करता है ये। ओके सो या आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट ओवरऑल, काफ़ी ब्राइट किया इसने फेस को। सो या दैट्स इट। So it's been almost, it's been more than a week since I have been using this Palmolive Skin Therapy Vitamin C and E फेशियल बार एंड इसका रिजल्ट आपने देख ही लिया, आपने एप्लीकेशन देख लिया। ओके, मैं इसकी कुछ खास बातें आपको बता देती हूँ। ऑफकोर्स द फ्रेगनेंस इज वेरी नाइस, बहुत जल्दी बहुत सारा लैदर आपको देता है ये। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है देन डेफिनेटली योर फेस विद दिस फेशियल बार। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहूंगी कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन है बिकॉज आई डू हैव सम सेंसिटिव एरियाज, यू नो द टी स्पॉट एंड द चिन एरिया, जहां पर मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, स्पेशली द नोज एरिया। अगर ये ऑयली स्किन को भी अगर ड्राई बना देता है विद इन लाइक अ वीक, और वो भी मैंने लाइक एक वीक यूज किया, सिर्फ एक बार मैं एक दिन में इसको यूज करी थी। मैं नॉर्मली मॉर्निंग एंड इवनिंग में बिफोर स्लीप भी मैं एक बार फेस वॉश जरूर करती हूँ, और नाइट रूटीन की जो भी क्रीम्स वगैरह है मैं वो लगाती हूँ। लेकिन मैं इसको, क्योंकि आई वॉज इन वेरी श्योर, तो मैं अपने स्किन को डैमेज नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसीलिए इसको वन वीक में सिर्फ वन टाइम इन द मॉर्निंग ओनली, मैक्सिमम एक टाइम मैंने इसको यूज किया है दिन में। और उसका रिजल्ट आफ्टर अ वीक मैंने जो देखा वो ये था कि मेरी स्किन ड्राई होने लग गई थी। तो अगर मेरी स्किन जो कि कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी थोड़ा बहुत उसमें ऑयली टेक्सचर है मेरी स्किन का, अगर मेरी स्किन ड्राई होने लग गई थी तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो नहीं है। तो मैं ये कहूंगी आपको कि हाँ, ये बात बिल्कुल श्योर है कि एज अ बार, एज अ सोप बार अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ये एक फाइन क्वालिटी का बार है, नो डाउट। लेकिन टॉकिंग अबाउट कि ये काफी अच्छा हो रहेगा आपकी स्किन के लिए, आई डोंट थिंक सो क्योंकि हाँ, माइल्ड है, ये बात मैं मानती हूँ माइल्ड है, लेकिन ड्राई कर रहा है, क्योंकि वो जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर सोप वाले पड़े हुए हैं, तो इतना मॉइस्चर या इतना ज्यादा उसके अंदर ऑयल नहीं है कि वो आपकी स्किन जो है वो उसको इजीली मतलब एब्जॉर्ब करके और जाने देगी। वो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो ड्राइनेस वाला इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन पर आएगा ही आएगा। तो ये आप क्योंकि अगर आपको देखिए स्किन वाइटनिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि स्किन वाइटनिंग के लिए आपको प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली यूज करना चाहिए, यानी लगातार यूज करना चाहिए, तभी आपको स्किन में कुछ फर्क दिखाई देगा। बट ये लगातार यूज करने वाला सोप मेरे हिसाब से नहीं है। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने किसी ने ये ट्राई किया है तो आपको अच्छा लगा और आप लगातार उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार अगर 7 डेज यूज करने के बाद ये बात बोल रही हूँ तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रही हूँ। और मुझे जितना अच्छा रिजल्ट मुझे डव सोप से मिला था, उतना अच्छा रिजल्ट मुझे इससे नहीं मिला, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई काफी हो गई थी। और लास्ट डे के बाद तो मुझे एक्चुअली रात को काफी ज्यादा फेस पर मतलब एलोवेरा और जो क्रीम है वो लगा के रखना पड़ा, ताकि मेरा फेस अगले दिन मॉर्निंग में हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि इतना ड्राई आउट हो गई थी कि वो स्किन फ्लेक्स निकलने लग गए थे। तो मेरे हिसाब से अगर
मे बी आप ट्राई करना चाहते हैं और इसको फेस बार की तरह ना यूज करके अगर आप बॉडी बार की तरह यूज करते हैं देन यस इट इज अ बिग यस, बट अगर आप इसको फेशियल बार की तरह यूज करेंगे तो मुझे थोड़ा सा डाउट है. मैं इसको आउट ऑफ 5 एज मे बी यू नो आउट ऑफ 5 मैं इसको मे बी मैक्सिमम 2.5 या 2.7 स्टार्स दे सकती हूँ. मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती हूँ. मुझे बाकी सब चीजें समझ में आई लेकिन जो इसका स्किन पर इफेक्ट था वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा. मेरी स्किन पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा. अगर आपको पसंद आया ये इसको यूज करना आपको अच्छा लगा तो यस डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए. लेकिन मैं आपको 100% सजेशन नहीं दूंगी कि आप इसको फेस पर ट्राई करिए. तो ये मेरा रिव्यू था अबाउट दिस पामोलिव फेशियल बार. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ DIYs. तो भाई प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और प्लीज प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को. जब आप वीडियो देखते हैं तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और काफी अच्छा लगता है फिर न्यू वीडियो बनाने के लिए. अदरवाइज लगता है कि काम तो हो रहा है लेकिन काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या I don't know. So please अगर आप इतने सारे लोग हैं और इतना प्यार मुझे देते हैं with you know all the comments जो भी मैं receive करती हूँ आपके एंड से तो वो पढ़ के तो अच्छा लगता है लेकिन please like भी जरूर किया कीजिए वीडियो को. मैं यही कहूंगी कि मुझे काफी अच्छा लगेगा. So yes, I'll be meeting you very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself and don't forget you are beautiful. Stay beautiful and be beautiful. God bless you. Bye.